आदाब, आप देख रहे हैं सदाए पंजाल। हमारा मकसद आपकी आवाज़, और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मीर। लॉकडाउन के बाद इंतज़ामिया की तरफ से एक नई एडवाइजरी मिलने के बाद पुंछ में मुख्तलिफ खेलें खेली जा रही हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं और बच्चों को उनका हुनर दिखाने का मौका फराहम किया जा रहा है। वहीं आज स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में ताइक्वांडो, हॉकी, क्रिकेट और मुख्तलिफ खेलों के दोस्ताना मैच करवाए गए। वहीं पर ताइक्वांडो के रेफरी राजेंद्र सिंह, हॉकी कोच पवन कुमार और क्रिकेट कोच परवेज़ मलिक आफरीदी भी मौजूद थे। क्रिकेट कोच परवेज़ मलिक आफरीदी ने ज़राए से बात करते हुए कहा कि हमारा मकसद बच्चों को मंशियात से दूर करके खेलकूद की तरफ माइल करना है, जिससे वो अपना मुस्तकबिल बेहतर संवार सकें। देखिए पुंछ से हमारे नुमाइंदे की ये खसूसी रिपोर्ट। देखिए आज हम स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे, जो इंडोर आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। कल ही यहां पर जो है कमिश्नर सेक्रेटरी जो यूसर स्पोर्ट्स के जनाब सरवर हफीज़ साहब भी आए और उन्हें देखा। यहां पर ताइक्वांडो की बाइट्स हुई, उसके बाद हॉकी का मैच हुआ और यहां पर जो हर एक गेम का बहुत ज़्यादा कल्चर है और उसके साथ में देखा जाए क्रिकेट का बहुत बड़ा कल्चर है। तो लॉकडाउन के बाद जो है 5-6 दिन हुए हैं जो है स्टेडियम खुला है और देख रहे हैं डिफरेंट गेम्स में बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मेरी तमाम पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर ग्राउंड में भेजें ताकि वो हेल्थी रहे और मेंटली भी प्रिपेयर रहे हर चीज़ के लिए और उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। और हमारी ये कोशिश है कि बच्चों को ड्रग्स से दूर रख के उनको गेम्स की तरफ लाया जाए ताकि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। इसी के साथ में अब आने वाले दिनों में जो है पुलिस की जानिब से जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से अंडर 19 का भी टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जहाँ पर बच्चे सेलेक्ट करके जिनको जम्मू जोन में भेजा जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे वहाँ भी अच्छा कारकर्दगी दिखाएंगे और हमारी पुंछ का जो है फ्यूचर स्पोर्ट्स पे ब्राइट रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि हम अभी स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोचिंग की क्लासेस जो चल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे जो लॉकडाउन के बाद जब ये एडवाइजरी आई गवर्नमेंट की कि आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये एक्टिविटी स्टार्ट करी। इसी के साथ ही इसी के अंतर्गत मैं बताता चलूँ कि हमने कल यहाँ पे एक हॉकी का मैच भी ऑर्गेनाइज़ करा, जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स इन कलेबरेशन विद श्यामलाल हॉकी एकेडमी। तो वो मैच जो हमने एक एग्जीबिशन मैच फ्रेंडली यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करा था, जिसको विटनेस करा, जिसके चीफ गेस्ट थे हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी सरमत हफीज़ सर, जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के कमिश्नर सेक्रेटरी, तो उन्होंने वो मैच को विटनेस करा और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेज़ करी यहाँ पे कि इतना हॉकी का कल्चर है, लड़कों के साथ साथ यहाँ की लड़कियाँ भी जो हैं वो भी बल्ली इंटरेस्टिंगली हॉकी में पार्टिसिपेट करती हैं और प्रोफेशनली उस गेम को उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। तो ये बड़ी बड़ी बात है हमारे यहाँ पूंछ में कि आप लड़कों के साथ लड़कियों को भी हॉकी यहाँ के देखने को मिलती है। मैं फिज़िकल एजुकेशन टीचर राजेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड की वजह से ये हमारा इंडोर जो कि इंडोर कम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम काफ़ी देर बंद रहा, तो एक्टिविटी भी नहीं चल रही थी। तो हालांकि 1-2 दिन ही हुए हैं रिज्यूम हुए एक्टिविटी, तो कल हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट जनाब सरमद हफीज़ साहब की यहाँ विज़िट थी माई टोन माई प्राइड के सिलसिले में। तो वो एक हमारे स्टेडियम में भी आए, तो उन्होंने देखा बच्चों का उत्साह, ताइक्वांडो की बाउट्स देखी, ताइक्वांडो का डिमॉन्स्ट्रेशन देखा बच्चों का, लड़कियों लड़कियों का, और उसके बाद हॉकी का मैच देखा। तो हमें काफ़ी खुशी है कि अब हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम खुल गया है, तो बच्चे रेगुलर अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, तो अपनी एनर्जी पॉजिटिव वे में चैनलाइज करेंगे, तो आगे चल के अपने देश का और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे। ताज़ा अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें सदाए पंजाल, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।